नमस्कार। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और इसी बीच राजस्थान की 200 सीटों का पहला ओपिनियन पोल क्या निकलकर सामने आ रहा है? आखिर राजस्थान में कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, इस पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान का इतिहास है कि हर 5 साल में यहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी जीत की तैयारी कर ली है, तो बीजेपी का क्या प्लान हो सकता है? क्योंकि हाल ही में बीजेपी की बड़ी मीटिंग हुई है, उसमें अगर बात की जाए तो बसंत राजे पर कहीं ना कहीं सवालों निशान रहे हैं बीजेपी के लिए। क्या बीजेपी इनके बिना ही यहाँ पर अन्य उम्मीदवार को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी? क्या इनके दम पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? काफी बड़े सवाल यहाँ पर बनते हैं। और जिस कार से बड़ी मीटिंग हुई है उसमें एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी आखिर मुख्यमंत्री चेहरा किसे राजस्थान के लिए घोषित कर सकती है? इस तरह की बड़ी खबर जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। और अगर बात की जाए तो इससे पहले राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी पर भारी रहा था। कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो राज्यसभा की सीटें रही थी कांग्रेस के लिए काफी बड़ी बढ़त मानी गई थी इसमें। और इसी बीच अगर बात की जाए तो राजस्थान पर क्या सियासी पारा बन सकता है? 200 सीटें राजस्थान की आती है विधानसभा चुनाव को लेकर, जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में देखने को मिल रहा है, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक होकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग अलग हो सकते हैं? इस तरह की खबर हो सकती है। बीजेपी क्या एजेंडा हो सकता है? क्या बीजेपी कांग्रेस को यहाँ पर मात देगी? और राजस्थान में जो इतिहास है कि हर 5 साल में यहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलती है, इस हिसाब से इस बार राजस्थान में क्या बीजेपी लहर देखने को मिलेगी? इस पर महासर्वे के आंकड़े, क्योंकि 200 सीटों पर जो आंकड़े निकल रहे हैं उस हिसाब से चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों पर बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिला सकती है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर अपना खाता खोल सकती है। बात की जाए जालौर की 5 सीटों पर बीजेपी 3 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। लेकिन एक और सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी राजस्थान में क्या कुछ कर पाएगी? क्योंकि इससे पहले आपको गुजरात के भी आंकड़े दिखाए, क्योंकि गुजरात पर काफी यहाँ पर बात की जाए तो टक्कर में हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अगर वो गुजरात में सरकार बनाने में सफल होते हैं तो फिर वो अगले राज्यों पर बढ़ेंगे, जिनमें राजस्थान है, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकते हैं, ये वो राज्य हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाता खुलती नजर नहीं आ रही। हनुमानगढ़ की अगर बात किया 5 सीटों पर बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर खाता खुल सकता है राजस्थान में। जयपुर की 19 सीटों पर बीजेपी 14 सीटों पर बढ़त बना सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटों पर बढ़त हो सकती है, जो आंकड़े हो सकते हैं। अलवर की 11 सीटों पर बीजेपी 6 जबकि कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। धौलपुर की 4 सीटों पर बीजेपी सभी 4 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है, सभी 4 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जो आंकड़े हो सकते हैं। 12 की 4 सीटों पर बीजेपी 2 जबकि कांग्रेस के पक्ष में भी 2 सीटों पर, यानी बीजेपी कांग्रेस में यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। और ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत एक अनुभवी नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक काफी महत्वपूर्ण चुनाव हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर डोंगरपुर की 4 सीटों पर बीजेपी 3 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। बांसवाड़ा की 5 सीटों पर बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पाली की 6 सीटों में से बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अजमेर की 8 सीटों पर बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीट, एक आम आदमी पार्टी एक RLSP के पक्ष में भी जा सकती है। इसके अलावा भरतपुर की 7 सीटों पर बीजेपी 5 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों पर बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिल सकती है। करौली की 4 सीटों पर बीजेपी 3 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जो आंकड़े हो सकते हैं, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट पर बढ़त हो सकती है। इसके अलावा राजसमंद की 4 सीटों पर बीजेपी सभी 4 सीटों पर अपना जीत का दावा रख सकती है। टोक की 4 सीटों पर बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिल सकती है। सरोही की 3 सीटों में से बीजेपी 2 जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जबकि 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार यहां पर जीत दर्ज कर सकता है। यहाँ पर जोधपुर की 10 सीटों में से बीजेपी 5 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, 1 सीट आप पार्टी या पर अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। नागौर की 10 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी 6 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, 2 सीटों पर RLSP के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। सीकर की 8 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटों पर कमल खिला सकती है।
आरएलएसपी के पक्ष में भी यहां पर जो है एक सीट जा सकती है। झुंझुनू की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, तीनों सीटों पर कांग्रेस, यानी बराबरी की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में यहां पर हो सकती है। एक सीट की बात की जाए तो एक सीट यहां पर आम आदमी पार्टी या फिर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। बाड़मेर की 7 सीटों में से बीजेपी 5 सीट पर कमल खा सकती है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में एक सीट पर यहाँ पर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि गंगानगर की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस, 2 सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलती नजर आ रही, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए कोटा की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, तीनों सीटों पर कांग्रेस का यहाँ पर खाता खोलता नजर आ रहा है, यानी बीजेपी कांग्रेस में बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो चुरू की 6 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दौसा की 5 सीटों में से बीजेपी 3, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान की कुल मिलाकर यहाँ पर 200 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती नजर आ रही है। बीजेपी 110 सीटों के आसपास आ सकती है, कांग्रेस यहाँ पर 84 सीटें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आरएलपी के पक्ष में 3 सीटें, 3 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान में जो पलटवार हो रहा है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसका असर देखने को मिल सकता है। इस बार बीजेपी बाजी मार सकती है, लेकिन आपको बता दें कि कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी क्या यहाँ पर कमल खिलाने में सफल होगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर भी राय कमेंट बॉक्स रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। राजस्थान में अभी भी काफी हलचल है, इसी बीच अगर किस प्रकार का यहाँ पर बिखराव देखने को मिलता है, बीजेपी आखिर यहाँ पर वसुंधरा राजे की जगह किसे यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करती है, यहाँ पर बात की जाए तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर भी राय कमेंट जरूर किए, आखिर राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस की बनेगी सरकार, इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं सर एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाएं जबरदस्त।